साल 2022 में बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड का हाल काफी खराब रहा और ज्यादातर फिल्में फ्लॉप साबित हुई। ऐसे में बड़े बड़े स्टार्स भी अब काफी सोच समझ कर फिल्में साइन करने में लगे हैं। तो वहीं कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद शाहरुख खान कई बैक टू बैक फिल्मों के साथ पर्दे पर वापसी करेंगे। पठान, जवान और डंकी शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्में हैं जिनको लेकर वो सुर्खियों में हैं। तो वहीं एक फिल्म है डॉन 3 जिसको लेकर काफी बज बना हुआ है। इसको लेकर अक्सर कुछ न कुछ खबरें और अपडेट सामने आते रहते हैं। बता दें कि 70 के दशक में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन के रीमेक में शाहरुख खान काम कर चुके हैं और अब इस फिल्म का तीसरा पार्ट यानी डॉन 3 आने वाला है। फैंस एक बार फिर से शाहरुख को डॉन के रूप में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। वहीं अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसको लेकर मीडिया गलियारे में काफी चर्चे हैं। ऐसी खबरें हैं कि इस फिल्म में रणवीर सिंह कैमियो करने वाले हैं और फिल्म में शाहरुख अपना डॉन का टाइटल रणवीर को देंगे। अब इस बात से यह माना जा रहा है कि अब आने वाले सिक्वल में डॉन का किरदार शाहरुख खान नहीं बल्कि रणवीर सिंह निभाएंगे। हालांकि अभी इस बात को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन ऐसी खबरों ने काफी जोर पकड़ रखा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फरहान अख्तर अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को डॉन 3 में कास्ट करने की सोच रहे हैं और इसी के साथ फरहान इस फिल्म में रणवीर सिंह के कैमियो पर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी फरहान अख्तर या उनके प्रोडक्शन हाउस की ओर से फिल्म और फिल्म के कास्ट को लेकर ऐसी कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसा होता है और डॉन फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म में रणवीर सिंह कैमियो करते हैं तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि रणवीर सिंह दो बड़े सुपरस्टार्स के बीच कैसे अपने आप को साबित करते हैं। वहीं शाहरुख खान अभी अपनी तीन अपकमिंग फिल्मों पठान, जवान और डंकी को लेकर भी सुर्खियों में हैं। शाहरुख अपनी फिल्म जवान की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं। इसकी शूटिंग चेन्नई में हो रही है। साउथ डायरेक्टर एटली की इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ नयनतारा लीड रोल में होंगी और ये फिल्म जून 2023 में रिलीज होगी। वहीं उनकी एक और फिल्म पठान भी लगभग तैयार हो चुकी है जो जनवरी 2023 में रिलीज होगी। इस फिल्म में शाहरुख के साथ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण लीड रोल में होंगे। खैर, तो शाहरुख खान के डॉन 3 को लेकर साथ ही डॉन के रूप में रणवीर सिंह को लेकर आपकी क्या राय है बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। फॉर लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड लाइफ टाइम्स।